हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सिंगला बैचेस। तो आज हम करने लगे अपने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3। उसमें आज हम करेंगे पावर, और क्या करेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे, ये अपना टॉपिक आज करेंगे। तो जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको क्या किया था, आपको 2 दिन फॉर्मूले कराए थे। तो आप फॉर्मूला कराया था आपको I=Q/D, एक रहा था V=I×R, और एक V होता है आपका वर्क बाय चार्ज, ठीक है। ये कुछ 3-4 फॉर्मूले कराए थे, ठीक है। और आपको कराया था रेजिस्टर्स इन पैरेलल और सीरीज के बाद में कराया था। रेजिस्टर्स क्या कराया था मैंने, रेजिस्टर कराया था आपको एक पैरेलल में कराया था, और एक कराया था जी मैंने सीरीज में, ठीक है। तो मैंने देखा था कि जो सीरीज में है वहाँ पे R की वैल्यू काफ़ी होती है, और पैरेलल में R के लिए क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये किया था। तो ऐसा हमारे घर में भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि मेनली हम घर में लाइट वगैरह ऑन करते हैं, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है तो ऑब्वियस है वहाँ पर रेजिस्टेंस का काम तो होगा होगा ना। तो जो हमारे हाउस होल्ड चीज़ें हैं, जो हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेज हैं, उसको जो हम किस यूज करते हैं, वो हम सीरीज में लगाते हैं सर्किट के हम पैरेलल यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो मेरा सर्किट होगा वो मैं सीरीज में लगाऊंगा कि पैरेलल में। तो मेनली घरों में क्या होता है, हम पैरेलल यूज करते हैं, सीरीज यूज नहीं करते। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक सब डिवाइस है, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइस लगे हुए हैं, कोई बल्ब हो गया या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कोई भी हो गया, लेट्स अस्यूम। अब यहाँ से मेरा करंट मूव कर रहा है ना, अगर तो मेरा बल्ब अच्छे से ग्लो कर रहा है, मतलब क्या है, काम चीज कर रहा है, तो करंट आगे पास कर देगा ये, ठीक है, इस पे पहुंच गया। अगर ये काम कर रहा है तो आगे पहुंच के इस पे आ जाएगा, देन आफ्टर क्या होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इनमें से अगर ये मान लीजिए आपका ये खराब हो चुका है, ठीक है, काम नहीं कर रहा, तो जो आपकी करंट की वैल्यू है वो आगे पहुंचेगी नहीं, बिकॉज ये क्या वर्क नहीं कर रहा, तो हमेशा वहाँ क्या करंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका मतलब होगा अगर एक भी हमारा चीज खराब हो गई है, काम करना बंद कर जाती है, फ्यूज हो जाती है, तो बाकी के सारे काम कर जाएंगे बंद। जैसे मेरे पास एक घर में एक बल्ब लगा हुआ है, उससे आगे सारे मेरे कनेक्टेड है, ठीक है, एक बल्ब से आगे कनेक्टेड है, एक बल्ब से आगे ऐसे कनेक्ट, सारे कनेक्टेड है। अगर बाय चांस मेरे एक बल्ब भी कोई भी खराब होगा, तो उसके जो आगे कनेक्टेड है सारे वजह खराब हो जाएंगे। बट पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, इसमें मेरे जो डिवाइसेस होंगे क्या, वो पैरेलल में होंगे, क्या होंगे, मेरे पैरेलल में होंगे, ठीक है, ठीक है। ये मैं नंबर ऑफ डिवाइसेस बनाए हैं, मतलब अब करंट आपका यहाँ गया, तीनों से स्प्लिट हो गया, तीनों में क्या है करंट जा रहा है। अगर एक भी डिवाइस खराब हो जाएगा तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक के खराब होने से बाकी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक काम करना बंद कर देगा, दूसरा अपना काम कर रहा है। तो मेनली क्या करते हैं, हाउस होल्ड में क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द सीरीज सर्किट, ठीक है। तो आज मेरा टॉपिक कौन सा है, आज मेरा टॉपिक है पावर के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, वो हम कहते हैं आज इतने यूनिट्स बिल आ गया। तो यूनिट्स क्या होती हैं, मेनली पावर क्या होता है। अगर मैं सिंपल पावर की बात कर रहा हूँ, तो आपने पावर क्या होगा कि सिंपल जैसे मेरी एनर्जी है ना, तो पावर होता है कि कितने टाइम तक मैं काम कर सकता हूँ, ये होता है आपका कि कितना वर्क कर रहे हो, कितने टाइम तक, वर्क बाय टाइम, ये होता है आपका पावर। तो बात हो रही इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रिक पावर, क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब क्या होगा, एक रेट बताएगा कि कितनी आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की है, क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, पर टाइम। रेट बता रहा है मतलब कितनी आप, ये वर्क है आपका, वर्क इसमें स्टोर होता है आपकी एनर्जी में, तो ये कौन सी एनर्जी होगी मेरी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या बताता है कि कितनी मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर ली कितने टाइम में, वो होता है आपका मेनली पावर का एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो क्या होता है आपका, पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। अब पावर की यूनिट क्या होती है, मेनली वॉट होती है, ये होती है आपकी WWT वॉट। वर्क की क्या होती है यूनिट, जूल, ठीक है। टाइम की SI में क्या लेते हैं, मैं सेकंड लेता हूं, ठीक है। तो वॉट क्या होगा SI में, वॉट होगा SI में, वॉट इज इक्वल्स टू जूल पर सेकंड इज नोन एज द वॉट, क्या होगा आपका, ये जूल पर सेकंड इज नोन एज द वॉट, ठीक है जी। तो ये था मेरी डेफिनेशन किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तो वहां से आपका एक फॉर्मूला बना कि जो आपका इलेक्ट्रिक पावर है वो किसके इक्वल है, कितनी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है।
कितने टाइम में, ठीक है जी। तो क्या आ गया आपका P इज इक्वल्स टू W, यहाँ पे W क्या मतलब इलेक्ट्रिकल, ऐसे करते हैं यहाँ पे करता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी W पर टी सिंपल, ठीक है, वर्क पर टाइम, कितना वर्क लगा, कितनी एनर्जी हुई आपका पर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब जो मेरा वर्क है तो मेरे को पावर को क्या करना है, पावर कौन सी इलेक्ट्रिकल पावर है, तो मैं चाहता हूँ अगर इलेक्ट्रिकल पावर है तो मैं वर्क से ना पैसे कर सकता। अब कैसे कह रहा हूँ, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी करंट के अकॉर्डिंग पावर को मेजर करना चाहता हूँ, मतलब इसकी मैं यूनिट आई के अकॉर्डिंग मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे कौन सा फार्मूला लगाऊँ। तो ड्राइव करते हैं इसको, मिशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो आपका जो W है, ठीक है, उसका रिलेशन था आपका भी क्या था, V किसके इक्वल था, V इज पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W बाय चार्ज, क्या फॉर द चार्ज। तो वहां से वर्क कितना आ गया, V इंटू क्या हुआ जाएगा, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्या। मैंने क्या किया, इस टर्म में टाइम से डिवाइड किया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया मैंने, टाइम से कर दिया मल्टीप्लाई, टाइम से कर दिया डिवाइड कर दिया। अब चार्ज पर टाइम वो क्या था मेरा, वो था मेरा करंट, ये होता आपका क्या होगा टी, क्या होता आपका करंट। तो आपका W क्या गया, वी आई टी, वोल्टेज करंट एंड टाइम। तो मतलब ये है कि जो आपकी वर्क क्या था, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, क्या किस स्टोर हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। मतलब जैसे कह रहा हूँ ना कि मैं एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कुछ इतने टाइम के लिए चल रहा है, तो कितने अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो जो वी आई फैक्टर है, जो वी आई फैक्टर है वो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ बताता होता है मेनली हमारे पावर के बारे में। कैसे देखो, अब फार्मूला क्या बना आपका, डब वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क इज इक्वल्स टू वी आई टी बना है, यहाँ पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा पावर इज इक्वल्स टू, पावर इज इक्वल्स टू वी आई टी बाई टी, टी से टी क्या हो गया जी कैंसल, तो पावर कितना आ गया वी आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, ये क्या बता रहा है मेरा इलेक्ट्रिकल पावर, कि ये क्या मेरा वोल्टेज है या पोटेंशियल है, ये क्या मेरा करंट है, ठीक है। तो मतलब ये आपका क्या है, ये वी आई टी और टी, ठीक है, ये आपका पावर हो गया, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका वर्क। तो ये कौन सा बताया, क्या ये वर्क है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंबल मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ W को E सिंबल से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास एक इक्विपमेंट है कोई भी इलेक्ट्रिकल, जैसे हम कह रहे हैं अगर इसकी अगर 100 वाट का है, एक मेरे पास 1000 वाट का है ना, तो कौन ज़्यादा एनर्जी खींचेगा, ऑब्वियस क्या बात है कि मेरा 1000 वाट का ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। हम कहते हैं कि हम घर में जो AC चला रहे हैं, आपके पास सिंपल फैन है, तो फैन आपका अगर 100 वाट का है, अज्यूम माना है कि AC आपका 1000 वाट का है, हमें AC का बिल ज़्यादा आ रहा है, उसकी यूनिट ज़्यादा क्यों आ रही है, बिकॉज उसकी पावर ज़्यादा है। और डिपेंड किसके पर है, टाइम पे। अगर मैं यही एक चला रहा हूँ 10 मिनट चला रहा हूँ, एक चला रहा हूँ 10 घंटे, तो क्या होगा, एनर्जी यूज़ करेगी टाइम के साथ, तो क्या होगा, मेरा बिल ज़्यादा आएगा। तो एनर्जी क्या डिपेंड कर रही है, पावर पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है। ये क्या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज द फार्मूला ऑफ द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है जी। तो आगे हम करने लगे हैं, अब डिस्कस हमने क्या किया, अभी किया कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क इनटू एनर्जी है करंट है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है मेरी वर्क इनटू टाइम आ गया, फिर पावर इनटू टाइम आ गया, ठीक है जी। तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म था ना, अगर इसको मैं और ड्राइव करूँ थोड़ा सा, वोल्ट क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई इनटू आर, क्या होता है आपका आई इनटू आर, तो आपका क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इनटू आर, तो पावर इसके इक्वल आ जाएगी आई स्क्वायर इनटू आर, तो ये भी सही है और ये भी सही है आपका। अगर मैं यहाँ यूज कर दूँ V, वही I क्या होता है आपका V by R, I क्या होता है आपका V by R, तो आपका क्या आ जाएगा P is equals to V square by R। मतलब तीनों फॉर्मूले सही हैं, बट मतलब डिपेंड करते हैं मेरे पास वैल्यू किसकी गिवन है, मेरिकल आप कर रहे हो उसमें R गिवन है, मुझे वोल्टेज गिवन है कि करंट गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका फार्मूला किसका है, इलेक्ट्रिकल पावर का। और ये फार्मूला कौन सा है आपका, ये फार्मूला आपका बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बनता है, ठीक है जी। तो आपके तीन फार्मूले डेवलप हो गए पावर के। नेक्स्ट हम करने लगे हैं पावर की यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब पावर की जो यूनिट थी वो थी वॉट, ये थी वॉट, ठीक है। तो इसका मतलब था एक जूल
1 सेकेंड, ठीक है। तो वॉट को क्या डिफाइन करेंगे, सिंपल घर में हमारे कोई पावर कोई इक्विपमेंट है उसकी पावर है कोई, मान ली 1 वॉट का है, ठीक है वो 1 वॉट का है। तो यही होगा कि 1 जूल एनर्जी यूज कर रहा है 1 सेकेंड में, यही होगा कि कोई इक्विपमेंट है क्या कर रहा है वो 1 जूल एनर्जी ले रहा है, कितने एनर्जी ले रहा है 1 सेकेंड में। तो ध्यान से देखें ये वॉट यूनिट बड़ी छोटी है, क्योंकि रीजन क्या है, 1 सेकेंड में कौन एनर्जी यूज कर लेगा, हम तो घंटे घंटे कोई चीज जाते हैं, फैन आपका कितने कितने घंटे चलता रहता है। तो मैं इस सेकंड को चेंज करूंगा आवर्स में, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे वॉट को चेंज करूंगा मैं किलो वॉट में, किसमें किलो वॉट में। किलो वॉट मतलब क्या होता है आपका 1000 वॉट, 1000 वॉट, ठीक है जी 1000 वॉट। तो इसकी रेशियो क्या बन जाएगी कि मतलब मैं एनर्जी यूज कर रहा हूँ 1 जूल एनर्जी यूज कर रहा हूँ कितने 1 घंटे में, कितने 1 घंटे में यूज कर रहा हूँ। तो 1 घंटे तो मान ली, हाँ भी 1 घंटा कोई चीज चला उसके अकॉर्डिंग हम 10 घंटे चलाया 20 घंटे चलाया उसके अकॉर्डिंग हम अभी वॉट निकाल लेंगे, बट 1 सेकंड में बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो क्या होगा मेनली हम क्या यूज करते हैं किलो वॉट, इसको लिखते हैं के किलो वॉट, ठीक है के डब्ल्यू, ठीक है जी। तो सिमिलरली अभी ये था पावर का मामला था, अब मैं बात करूँ अगर आपका वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, वो क्या था पावर इनटू टाइम था मेरा, कि मैं बात कर रहा हूँ ना जैसे आपका जो करंट आता होता है ना घर पे वो यूनिट्स में आता होता है, जो आपका बिल आता है यूनिट्स में आता है, जो वो एक यूनिट होती है ना वो किसके इक्वल होती है किलो वॉट आर के इक्वल होती है। मतलब अगर पावर में लूंगा किलो वॉट में, टाइम लूंगा मैं आवर्स में, तो आपकी जो एनर्जी होगी जो यूनिट आपने यूज किया वो क्या होगी किलो वॉट आवर, ठीक है। मतलब एक किलो वॉट मैं एक आर में यूज कर रहा हूँ तो मेरी कितनी एनर्जी यूज होगी, तो उसे क्या कहते हैं एक यूनिट कहते हैं। मेरी एक यूनिट का कॉस्ट कितना, 2 रुपये होता है 3 रुपये 5 उससे ज़्यादा भी होता है वैसे, तो एक हम किलो वॉट के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं अपनी मंथली या फिर जितने आप यूज़ कर रहे हो ना पीरियडिक आपका होता है टाइम पीरियड उसके अकॉर्डिंग अपनी यूनिट्स आती हैं, तो आपका क्या है बिल आता होता है। तो मेनली क्या होता है जो आपकी 1 यूनिट किसके इक्वल होती मानते हैं हम, वो होता है आपका किलो वॉट आर में आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, क्या आपका एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है जी। कौन सी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू यूज करते रहते हैं, तो आपका मेनली यही यूज होगा। तो आगे जैसे अब एनर्जी किसके इक्वल था, ठीक है पावर इनटू टाइम, ठीक। तो देखना तो आपका जो पावर है वो किसके इक्वल है वोल्टेज इनटू करंट अकॉर्डिंग है, यही होगा। मतलब आपकी पावर डिपेंड कर रही है मिक्सचर करंट तो है डिपेंडेंट है वोल्टेज पे डिपेंड भी कर रही है। अगर हम कोई इक्विपमेंट लेते हैं ना वहाँ पे लिखा होता है कि ये 100 वाट का बल्ब है हाइफन बाकी 220 वोल्ट लिखा होता है मेनली इक्विपमेंट्स पे, जैसे आपने कुछ बॉट किया है ना तो उस पे लिखा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी पावर कितनी है 100 वाट है और ये 220 वोल्ट पे काम करेगा, क्या करेगा 220 वोल्ट पे काम करेगा। जैसे आपका एयर कंडीशनर है ना, आपका क्या क्या एयर कंडीशनर होता है, तो मेनली वो मान लीजिए कितने मर्जी वॉट का है, मेरे 1000 वॉट का मान लीजिए, ज्यूम आया 1000 वॉट का है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इसकी वोल्टेज लाई करती है इस रेंज 150 से 220 वोल्टेज में लाई करेगा तो वर्क करेगा। अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होती है हम कहते हैं जी इसको मत ऑन करो ये खराब हो जाएगा, क्या है बिकॉज हर एक का अपना जो पावर का काम होता है वो पर्टिकुलर वोल्टेज पे अच्छे से काम करता है, तो हर वोल्टेज पावर काम करता है पर्टिकुलर वोल्टेज पे वर्क करता है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल भी आप इसी फार्मूले से आएंगे जिसमें आप क्या फाइंड करोगे, तीन फार्मूले लगाओगे कौन से P=VI और Energy=Power×Time ही आप यूज करोगे, तो मैं आपके यही फार्मूले बनते हैं तो आप यही फार्मूले यूज करोगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका बनता है, नेक्स्ट आपके सिंपल रिलेशन आते होते हैं, कुछ रिलेशन आएंगे, किसका रिलेशन आएगा, एक तो आपका किलोवाट आर का रिलेशन आएगा जूल के साथ रिलेशन आएगा, क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी हमने रिलेशन किया था किलोवाट आर का, किलोवाट आर जैसे किलोवाट आर मतलब क्या हो गया आपका, अब 1 किलोवाट में क्या होते हैं मेरे 1000 वाट होते हैं, ये होता है आपका, और 1 किलोवाट आर मतलब इससे क्या हो गया आपका 1000 वाट आर, ठीक है जी 1000 वॉट। 1 वॉट क्या होता है जूल पर सेकेंड, 1 वॉट = जूल पर सेकेंड इंटू आर हो गया आपका, ठीक है जी। तो 1000 इंटू जूल पर सेकेंड
एक आवर में कितना होता है 3600 सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड से के सेकंड क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 3600 इंटू 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 10 to power 6 जूल, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 8.8 ले लिया मैंने, तो मेरे मतलब 1 kWh होता है 3.6 10 to power 6 जूल, ये रिलेशन होता है किलोवाट आवर का जूल के साथ, ठीक है। क्या होता है आपका, तो मैंने रिलेशन क्यों फाइंड किया, बिकॉज जूल भी एक एनर्जी है, जूल भी क्या है एक एनर्जी है, किलोवाट आवर ये भी क्या है एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो एक किलोवाट में इतने जूल एनर्जी होगा, देखो कितनी एनर्जी आ गई आपका 3.6 × 10⁶ जूल, तो ये रिलेशन होता है आपका किलोवाट आवर और जूल का, ठीक है जी। तो एक आपका बस टॉपिक रहता है माइकल के बिना, वो एक टॉपिक आपका क्या हीटिंग इफेक्ट, क्या टॉपिक आपका हीटिंग इफेक्ट। अब ध्यान से मैंने बात की थी आपकी एलॉय की बात की थी एक बार, कि जो हम क्या करते हैं जैसे आपके घर में हीटर्स होते हैं, आपके घर में आयरन होते हैं, क्या होती है वो एलॉय के मटेरियल से बनती है। रीजन क्या है, बिकॉज एक ऐसा मटेरियल जो सारा का सारा करंट पास नहीं करने देता, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है, वो थोड़े से उसे रखता है अपने होल्ड करके, जब करंट रुकेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने देखा होगा आपका एक फ़ैन है, वो क्या काम कर रहा है, उसे एनर्जी दे रहा है, वो रोटेट कर रहा है, रोटेट के साथ साथ वो थोड़ा सा क्या हो रहा है गर्म भी हो रहा है, हॉट हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कहाँ हीट एनर्जी में कंज्यूम हो रही है। तो हीट इफेक्ट क्या होता है, तो हमें पता है जो हीट है वो भी क्या है एक एनर्जी है, क्या एक एनर्जी वैल्यू है, ठीक है जी। तो हम करते हैं यहाँ से, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपका, यही था इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है, और मेरा पावर था वी इनटू आई इनटू टी, ठीक है। तो वहां से क्या आया था, मेरा वोल्टेज था आई इनटू आर था, तो वहां से आया हुआ था आई स्क्वायर आर इनटू टी, यही आया था आपका। यहां से देखना कि करंट और रेजिस्टेंस और टाइम मैटर कर रहे हैं एनर्जी पे, अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट तो पास कर रहा है बट करंट जब अपोज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो एनर्जी बनेगी वो कौन सी होगी आपकी हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी डिपेंड कर रही है करंट पे, टाइम पे और रेजिस्टेंस वैल्यू पे। जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा इसमें करंट निकलेगा वो ज्यादा उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वायर की उतनी हीट होगा, कितने टाइम के लिए करंट पास कर रहा है, जैसे कह रहा हूँ फैन मूव कर रहा है, पहले तो सिंपल मूव कर रहा है ठंडा है, बट अगर वही मैंने 5 घंटे चला दिया थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो मेनली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट स्केयर रेजिस्टेंस एंड द टाइम, दिस इज नोन एज अ हीट इफेक्ट, दिस रेशियो इज नोन एज अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहाँ पे आपका एच डायरेक्टली किसके है करंट स्केयर रेजिस्टेंस और टाइम की, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसके आपके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ के करंट प्रोड्यूस होगा, करंट के आप क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका करंट प्रोड्यूसेस द हीट प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा हीट, कैसे देखो ध्यान से लेना, जैसे आपके घर में क्या होते हैं कोई भी मिनी मारे, सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में हम क्या करते हैं हीटर ऑन कर लेते हैं, करते हैं ना, तो हीटर जब ऑन करते हैं वो क्या इलेक्ट्रिकल हीटर ऑन में यूज करते हैं ना आजकल, वहाँ पे एक राउंड सी शेप होती है, वहाँ पे कुछ पतली पतली वायर्स होती हैं, हमने देखा होगा ऐसी वायर्स होती हैं, जब इसको मैं प्लग इन करता हूँ तो ये वायर क्या करते हैं इससे करंट मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो बड़े ये रेड हॉट हो जाते हैं, होते हैं आपके रेड हॉट काफ़ी हो जाते हैं, रेड हॉट होना स्टार्ट होते हैं, क्या करते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा ग्लो भी करते हैं, लाइट छोड़ते हैं और क्या करते हैं काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मतलब जब करंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इंटरनल इतनी ज़्यादा है कि ये क्या कर रहे हैं करंट को रोक के उसकी जो एनर्जी है, हम पढ़े एनर्जी का नाइदर गेटिंग नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अगर एनर्जी दे रहा हूँ, अगर सारी एनर्जी क्या हो रही मूव नहीं कर रही, कुछ डिस्ट्रॉय हो रही है, कुछ वो क्या बन रही है आपकी हीट में कन्वर्ट हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो यही लॉ होता है एनर्जी कन्वर्टेड इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, सिंपल अभी लॉ है बेटी, मेन लिए ठीक है थोड़ा बहुत डिसओबे लॉ हो चुका है, बट फिर मेन लिए क्या होता है कंजर्वेशन लॉ ओबे करता ही करता है। जैसे आपके बल्ब है, हम घर में यूज करते हैं ना सिंपल वो येलोइश कलर का बल्ब, आपने देखा होगा कि एक बल्ब ऐसा एक बल्ब सा होता है, उसमें अंदर क्या होता है एक फिलामेंट सी लगी होती है ना, ठीक है। तो आजकल ये LED आ चुके हैं, हम ये कम बड़े यूज करते हैं, कहते हैं ये बड़े पावर कंज्यूम करते हैं, रीजन क्या होता है, क्योंकि रीजन यही है, इसको मैं करंट दूंगा, करंट जब इससे पास करेगा ना,
पहले करंट इसको हीट करेगा, पहले करंट क्या करेगा, इसको काफी ज्यादा टाइम लेगा हीट करने में, मतलब बहुत ज्यादा करंट अपने अंदर लेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। अब हीट से क्या होगा, इसमें लाइट एमिट करेगी, तो मतलब इसको पहले मैं कितनी दूंगा करंट, इतनी वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट की दूंगा, मतलब काफी ज्यादा करंट अपना खर्च करूंगा। खर्च करने के बाद ये ग्लो करेगा, ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा करंट लग रहा है। करंट क्या था आपका, वही एनर्जी का क्या थी, किलो वॉट आवर, तो मतलब किलो वॉट काफी ज्यादा यूज कर रहा है, तो आपका यूनिट, आपका बिल ज्यादा आएगा, तो इसलिए हम आजकल ये बल्ब नहीं यूज कर रहे, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी काफी ज्यादा यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके स्पेस होता है, अगर ये इसमें ऑक्सीजन हो जाए तो क्या होगा, ये फिलामेंट जल जाएगा, बिकॉज रीजन क्या, इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन स्पोर्टर इसका है, किसका आपका स्पोर्टर है, मेरी आग का स्पोर्टर है ना, फायर का स्पोर्टर है, तो इसमें मैं यूज करता हूँ आर्गन और नियोन गैस यूज करता हूँ। रीजन क्या है, बिकॉज वो इस जो फिलामेंट है जले ना, ये काफी लॉन्ग टाइम तक चले, ये गैस करती है, थोड़ी सी इसको बचा के रखती है, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन देती है कि हाँ भाई जले ना, तो हमें इस फिलामेंट में ये चीजें फिल होती है, कि इस बल्ब में ये चीजें फिल होती हैं। तो मेनली क्या है, जो मेरे मतलब समझाने का क्या है, कि जब आप हीट किसी भी चीज से करंट पास करोगे वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। फार्मूला आपका बनता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो मेनली आपका ये फार्मूला बनता है आई स्क्वायर आर इंटू टी फार्मूला बनता है। ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये मेनली आपका आज का एक टॉपिक था। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है उसमें जो न्यूमेरिकल पेंडिंग है, ऑलमोस्ट आपका सारे का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, पार्ट नंबर 4 में। तो आज के लिए मेनली हमारा इतना ही था, थैंक यू एवरीवन।